हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल आरके ग्री सोल्यूशन में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी सुबह उठे तो हमने सोचा है आप लोगों को अपना थोड़ा फील्ड वील्ड दिखा दिया है, घर के आसपास का कैसा है। तो ये आप लोग पीछे आपको नेट हाउस अपना दिखाए ही थे, पीछे नेट हाउस मेरा लगा हुआ है। इसमें अभी टमाटर की नर्सरी पड़ी हुई थी, लेकिन अब वो खेत में लग चुकी है सारी नर्सरी। इसमें हम कुछ अलग से बुआई करती हैं, धनिया की बुआई करती हैं, अभी आपको हम दिखा देते हैं। और बाकी अभी कुछ दिन पहले, एक महीने पहले का टमाटर लगा हुआ है बगल में, और बाकी पीछे पूरा खेत में करेले वगैरह लगा है, खीरा वगैरह लगा हुआ है। आइए हम आपको अपना नेट हाउस दिखा देते हैं, इस समय हम उसमें क्या बुआई किए हुए हैं। उसमें क्या है कि अब तो कुछ सब्ज़ी का भी तो कुछ नर्सरी तो डाल नहीं सकते, तो इसमें हम धनिया की बुआई कर दी है। क्या है कि धनिया का अच्छा खासा रेट गर्मी में रहता है, जर्मिनेशन शुरू हो रहा है उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जर्मिनेशन हो ही जाए। आप लोग देख सकते हैं इसमें पर दूरी बना करके धनिया बुआई कर दिए गए, कहीं कहीं जर्मिनेशन शुरू हो गया है और अभी हो रहा। पूरा ढक दिया गया नेट को, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अभी तो कुछ गर्मी कम हुई है, आज से थोड़ी सी गर्मी कम हुई, लेकिन अभी तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही थी। आप लोग देख रहे पूरा रिट चैन फरो मेथड से इसकी वजह से, बल्कि इसकी हर दूसरे दिन इसकी सिंचाई हो रही ताकि जर्मिनेशन हो जाए। अभी कल इसकी सिंचाई हुई थी, कल फिर होनी है, आज नहीं किया जाएगा। पूरा नेट से ढक दिया गया है। तो और आइए हम आप लोगों को अपना जो नल का सिस्टम है, हम कैसे सिंचाई करते हैं, हम आप लोगों को बता देंगे। हमारे यहाँ दोनों सिस्टम, समरसेबल का भी सिस्टम हम लोग रखे हैं और डीजल इंजन का भी सिस्टम रहता है, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा तो रहता नहीं, तो जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है जैसा भी, हम उस हिसाब से अपनी सिंचाई कर लेते हैं। अगर आप खेती को, सब्जी को, फसल को अगर एक भी दिन पानी को दिक्कत देंगे, तो आपकी फसल ख़राब हो सकती है, तो उसका प्रोडक्शन ऑलरेडी कम हो जाएगा। अभी हम उठे थे तो दातून लिए थे हम, आज अमरूद की दातून लिए हैं। वैसे तो नीम की ज़्यादातर करते हैं, ब्रश भी करते हैं, शहर में रहते हैं तो। गाँव आए थे तो मम्मी बोली कि आज दातून है अमरूद की, वही कर लो, तो वही ले दिए, वही कर रहे हैं। और आप लोग के यहाँ क्या इसका दातून करते हैं कि नहीं करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आइए हम आप लोगों को अपना नल वाला सिस्टम दिखा देते हैं। आप लोग पट्टा वगैरह लगा हुआ है, इस टंकी में पानी आकर निकलता है, फिर बाहर अपने खेत में। पीछे टुल्लू लगाया, और कहीं पानी की व्यवस्था ज़रूर होता है तो वहाँ चला जाता है। आप देख रहे हो चारे वाली मशीन है, ये हमारे यहाँ चारे वाला जाता है, इससे ये इंजन है, इससे डीजल इंजन है, इससे सिंचाई हो जाती है। जब लाइट नहीं रहती है प्रॉपर, तो इससे द्वारा हम सिंचाई अपनी कर लेते हैं। उसके अलावा ये चारे वाली मशीन आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ इससे चारे वाला है, पूरा पट्टा का सिस्टम लगा, उसी से हो जाता है। ये मेरा छोटा सा घर है, आप लोग देख सकते हैं, अपना छोटा सा घर बनाया हुआ है। पीछे जो है पुराना घर है, उसमें इंजन वगैरह लगा हुआ है, बाकी ये रहने वाला घर है। ये छोटा सा बरामदा है, बगल में छोटा सा रूम है, बाकी पीछे और कमरे बने हुए, लेकिन ये आगे के रूम थे।